भारत छोड़ो न्याय यात्रा में मणिपुर से हम महाराष्ट्र गए और रास्ते में हजारों युवाओं ने कंप्लेन की थी कि हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं। और आज आप सबको मालूम है कि नीट पेपर एंड यूजीसी एनईटी के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं और एक कैंसिल भी हुआ है। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी, मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है, जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स हैं। मैं जानता हूं कि आप इन एग्जाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो, ये आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ और अब उस व्यापम को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है। मैं इंस्टीट्यूशनल कैप्चर की बात करता हूं, मीडिया की बात करी, अलग अलग हिंदुस्तान के जो संस्थाएं हैं उनकी बात की, यही एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है। पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है, क्योंकि ये देश का भविष्य है और इससे हिंदुस्तान के युवाओं को, स्टूडेंट्स को जबरदस्त चोट पड़ती है। इंक्वायरी चल रही है, एक को आपने कैंसिल कर दिया है, अब पता नहीं दूसरे को कैंसिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, बट कोई ना कोई तो इसके लिए जिम्मेदार है और उनको एकदम पकड़ा जाना चाहिए और उन पे एक्शन लिया जाना चाहिए। आपके कोई सवाल हो? साथियों, मैं गुजारिश करूंगा सवाल आपके इसी विषय पर। हाँ प्लीज। हाँ सॉरी, व्हेन आई वेंट ऑन माय भारत जोड़ो यात्रा द सेकंड वन, थ्रू आउट द रूट स्टूडेंट्स वर टेलिंग मी दैट पेपर लीक्स आर एंडेमिक इन इंडिया। दे स्टडी, दे वर्क हार्ड, honest students suffer and students who want to cheat benefit, and this was repeated again and again and again and again. Now we are seeing an expansion of the idea of vyapam across the country. BJP states have had to deal with this, Uttar Pradesh has had to deal with this, Madhya Pradesh has been a center of this, Gujarat has been a center of this, and now they have expanded this idea to the rest of the country. This is extremely damaging to students, and it's happening because all our institutions have been captured. Our vice chancellors are placed not based on merit, but because they belong to a particular organization. And this organization and the BJP have penetrated our education system and destroyed it. What was done by Mr. Narendra Modi to the economy with demonetization has now been done to the education system. Youngsters, I want you to know
that the reason this is happening and the reason you're suffering is because an independent, objective education system has been demolished and it has been replaced by an education system that is captured by the BJP, captured by their parent organization. And until this capture is released, you are going to suffer. You're going to see cancellations of your exams. You're going to see paper leaks again and again and again. One paper has been cancelled. We don't know what is going to happen to NEET. But whatever happens, it should not be done in an arbitrary fashion. The rules that apply to one paper should apply to another paper. And it is very important that the people who are guilty here are brought to book and they are punished. Thank you. सर, सोमवार से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, तो क्या आप निजी तौर पर लोकसभा में इस विषय को उठाएंगे? और आप यह मांग करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी खुद सदन में आकर जवाब दें इस विषय पर, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा विषय है? हाँ, बिल्कुल, सिंपल सिंपल क्वेश्चन. हाँ, उठाएंगे, पार्लियामेंट हाउस में उठाएंगे. थैंक यू सर. राहुल जी, मैं इधर हूँ. सवाल ये है कि जो एजुकेशन सिस्टम इस वक्त है और जिस तरीके से जो पेपर लीक हुए, जिसका आरोप भी आपने लगाया और जो सामने भी आया है, रद्द भी हुआ है कल परीक्षा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बदलाव क्या होने चाहिए, वो बदलाव जो इससे परीक्षा लीक रुके, वो क्या आपके पास फार्मूला? हमारे मैनिफेस्टो में हमने लिखा था, देखिए दो तीन चीज़ें हैं. सबसे पहले, जो शिक्षा का सिस्टम है उसको एक संगठन ने कैप्चर कर रखा है. अपने लोगों को हर पोस्ट पे यही डालते हैं. वाइस चांसलर्स की लिस्ट निकाल लीजिए, पता लग जाएगा. तो इसको रिवर्स करना होगा. दूसरी बात, मैनिफेस्टो में हमने साफ कहा कि पेपर लीक होने के बाद कार्रवाई करना एक बात है, बहुत जरूरी है और स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए. मगर हमने यह भी कहा था कि पेपर लीक होने से पहले जो सिस्टम्स हैं, जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के रूल्स हैं, सिस्टम्स हैं, इनको फिर से असेस करना पड़ेगा, इनको स्टडी कर रीडिज़ाइन करना पड़ेगा. ये दोनों काम हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ लिखे हैं. और विपक्ष दबाव डालकर ये दो काम सरकार से करवाने की कोशिश करेगा. राहुल जी, डू यू थिंक सो दिस इज अ एजुकेशन इमरजेंसी एंड टिल नाउ व्हाट इज द स्टैंड गवर्नमेंट ने जितना भी स्टैंड लिया, डू यू सेटिस्फाइड विद दैट स्टैंड? और सर, मेरा दूसरा सवाल भी है, जिस तरीके से आप आज स्टूडेंट से मिल रहे हैं, आज लेट मी आंसर योर क्वेश्चन. सी, देयर इज अ ह्यूज प्रेशर ऑन आवर स्टूडेंट्स एंड द प्रेशर कम्स फ्रॉम a number of directions. The first direction is the large scale unemployment that is there in the country. Everybody understands it, everybody knows it, and one of the reasons the government suffered in this election was that all youngsters believe that Mr. Modi is incapable of solving the employment problem. So that's the first thing. Second thing is, there's huge pressure because of this and there are very few avenues for students. In all areas, right? So you've cut off the job avenue, now you're cutting off the exam avenue. You're saying, you know, you can take an exam, you can study, you can work as hard as you want. On the last date, we're going to tell you that the exam is cancelled, so, you know, that avenue is also shut. You've shut avenues like Agniveer, you've shut avenues like the public sector. So the youth of India have nowhere to go. It doesn't matter whether you're an IIT graduate, IIT student, or you're trying to join the army. The youngsters in India simply have no way through. And it's not just a educational crisis. It's a crisis in pretty much every sphere that we are facing. Now, before the elections, it was very clear that there was massive control of the media, massive control of the other institutions, so people were quiet. Now people are very clear that we are sitting on a disaster and we've got a government that is crippled, cannot do the job. It's literally walking around on one leg, right? So yes, it's a crisis.
It's a profound national crisis. It's an economic crisis. It's an educational crisis. It's an institutional crisis. So, but I don't see any response. I don't even see the capability of a response. Right? So. हाँ नहीं नहीं वन सेकंड बिहार का भैया हमने कहा है कि इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी जिन्होंने भी पेपर लीक कराया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल जी चूंकि ये मामला नेशनल लेवल पे भी एग्जाम्स में हो रहा है स्टेट लेवल्स में भी एग्जाम्स में कई जगह इस तरह के पेपर लीक की घटनाएं होती है और करोड़ों छात्रों का जीवन अधर में लटक जाता है आपको लगता है कि एक सख्त कानून बनाने की जरूरत है संसद में कि इससे निपटने के लिए कैसे होगा चूंकि छात्रों का जीवन नहीं सख्त कानून आफ्टर द फैक्ट है वो होना चाहिए मगर अगर आप मेरिट के बेसिस पर लोगों को नहीं जॉब देंगे अगर आप आइडियोलॉजिकल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे इनकेपेबल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे एग्जाम्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं एग्जाम लेने के स्ट्रक्चर्स हैं उनमें आप आइडियोलॉजिकल लोगों को डालेंगे तो ये काम होगा ये इसका सबसे बड़ा कारण बीजेपी एंड इट्स पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो कैप्चर किया है ये है और अगर आप कल्प्रिट ढूंढना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं जिन लोगों ने हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय किया है जो पहले ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे इम्पार्शल हुआ करते थे वो आज इम्पार्शल नहीं है ऑब्जेक्टिव नहीं है आइडियोलॉजिकल बना दिए गए हैं और मीडिया को लोगों को इन इंस्टीट्यूशंस में बैठा दिया गया है इसका मेन कारण यह है और इसका आप एपिसेंटर देखिए पूरा देश जानता है युवाओं आप सब जानते हो कि इसका पहले एपिसेंटर मध्य प्रदेश हुआ करता था वहां पे 40-50 लोगों की हत्या हुई थी ये तब शुरू हुआ था आप जानते हो कि गुजरात में उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में इन चीजों का एपिसेंटर है और आप ये भी जानते हो कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारी लेबोरेटरी मध्य प्रदेश और गुजरात है तो लेबोरेटरी से यह काम शुरू हुआ है और अब यह काम देश में फैल रहा है और आपका इससे नुकसान हो रहा है जब तक ये रिवर्स नहीं किया जाएगा जब तक हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस इनके हाथों से नहीं छीने जाएंगे और इफेक्टिव ऑनेस्ट इम्पार्शल लोगों के हाथ में नहीं जाएंगे तब तक ये होता रहेगा और मैं आपको बता रहा हूं जब तक बीजेपी रहेगी ये बढ़ता जाएगा सर एनटीए के अंदर सारे एग्जाम्स आने लग गए हैं नीट भी नेट भी और इवन कॉलेज एडमिशन्स भी उसी पे हो रहे हैं तो आपको लग रहा है ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं वहीं ख़त्म हो जा रही है क्योंकि वो एक एजेंसी जो है वही सारा कंडक्ट करा रही है तो आपने पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाने को सोचा है कि एनटीए को कहीं ख़त्म करने की ज़रूरत है या बदलाव करने की ज़रूरत है नहीं देखिए अगर हिंदुस्तान में बहुत सारे ऑनेस्ट लोग हैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लोग हैं अगर ऑब्जेक्टिव लोगों को ऑनेस्ट लोगों को आप ये काम दोगे पेपर लीक नहीं होगा अगर आप मीडियोकर लोगों को राजनीतिक बेसिस पे आइडियोलॉजिकल बेसिस पे चुन के करोगे तो ये काम होगा और ये मैं कह रहा हूं दोहराता जा रहा हूं कि हर हिंदुस्तान की हर संस्था को कैप्चर कर रखा है लीगल सिस्टम को ब्यूरोक्रेसी को इंटेलिजेंस एजेंसीज को इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को एजुकेशन सिस्टम को आपने मांग रखी सरकार से आपने अपनी मांगे रखी है सरकार से लेकिन सरकार के पक्ष पहले ही सामने आ गया एनटीए को जो एनटीए है एजेंसी उसको क्लीन चिट एक तरीके से एचआरडी मिनिस्टर ने पहले ही दे दी है तो सरकार का तो कहीं ना कहीं पक्ष साफ दिखाई देता है उनका आगे आप लोग कैसे जाएंगे उनकी उनकी क्रेडिबिलिटी इन बातों में है ही नहीं वो क्लीन चिट दें उसका कोई मतलब ही नहीं है उनकी जीरो क्रेडिबिलिटी है सब लोग जानते हैं कि एपिसेंटर मध्य प्रदेश गुजरात एंड उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा मेरी यात्राओं में सबसे ज्यादा पेपर लीक की बात यहीं आई थी उत्तर प्रदेश में आई थी मध्य प्रदेश में आई थी राहुल जी एनटीए हैज कंडक्टेड वन टेस्ट एंड व्हिच हैज बीन कैंसल्ड द अदर इज अंडर डाउट यू नो एंड द कोर्ट इज लुकिंग इनटू इट Would you say that the agency like NTA is incapable of conducting such examinations because two main examinations and I want it to be disbanded or something? No, like I would say that
if you let people who know how to run these things and you promote people based on merit, there are multiple ways in which you can do exams successfully. If on the other hand, you are constantly posting people who are mediocre, who do not have the skills to do these jobs, and you're posting them simply because they come from your same ideology, no system is going to work. You can change whatever system you want. If the people who are being put into that system are mediocre and being put in for the wrong reasons, it is never going to work. Last question. NEET, specifically on NEET examination, there is of course an investigation that is going on, but the scheduled counseling session is not been delayed. It is going to happen as per schedule. So do you think that this is a mere eyewash when it comes to the investigation, saying that investigation bhi ho rahi hai, but then they are not delaying the They can eyewash whatever they want, but they are going to get such pressure from the opposition that they're going to think twice about whatever they're doing, because we are not going to allow this type of activity to be done as far as our students are concerned. Our students sit there, they work, they spend months, they dream about these exams for years, they spend huge amount of money. So the opposition is simply not going to allow any of this eyewash that is taking place. We will make sure that we put so much pressure on them that this issue is resolved. तो इसी विषय पर इस मामले में एक अजीब स्थिति है कि जो आरोपी हैं पटना में वो स्वीकार कर रहे हैं कि उनको पेपर पहले मिल गया था, यानी सीधे सीधे पेपर लीक का केस है, और सरकार की तरफ से पहले तो क्लीन चिट दे दी गई, पेपर लीक से इनकार कर दिया गया, और अब बिल्कुल रेडियो साइलेंस है, नेट कैंसिल हो गया, नीट पर अभी भी स्थिति साफ नहीं है। तो ये जो स्थिति है, आरोपी कह रहे हैं पेपर लीक हुआ, मंत्री कह रहे हैं नहीं हुआ, इस पर आप क्या सोचते हैं? और नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट में आप लोग लाने की कोशिश करेंगे? Silence is because Prime Minister is crippled. Right now, Prime Minister's main agenda is the Speaker. So he's not bothered about NEET. He's not bothered about all these things. He's bothered about ki bhaiya meri sarkar nikal jaye yahan se aur mera Speaker ban jaye. Right? That is where he is right now. That's where his mind is. Right? So essentially, the main thing is that we have a government now, right, and a Prime Minister now, who will find it very difficult to function. The Prime Minister, if I might say so, is psychologically broken. He has collapsed, psychologically collapsed. And he will struggle, knowing his personality, he will struggle to run a government like this. Because his entire sense of running a government, the idea of running a government, Mr. Modi's idea, is to generate fear in people, to frighten people, to make people not speak. You're aware of that. Now what has happened is people are not scared of him. And you saw the other day, I think somebody in Varanasi itself threw a chappal on his car. Right? So it's very clear. The basic concept of Modi has been destroyed in this election. If we were faced with a... If right now you had a Vajpayee ji or a Manmohan Singh ji, they might be able to survive what they are faced with. Because there is humility, there is conciliation, there is respect. But Narendra Modi does not believe in any of these things. Narendra Modi believes my way or the highway. And now suddenly he's found that earlier there were Congress people who were not scared of him. Now nobody in the country is scared of him. Right? So psychologically it's almost a fatal blow for the Prime Minister. And he's going to really struggle. And of course, now we have a stronger opposition. So it's going to be interesting and quite a lot of fun. Thank you. देखिए क्या हुआ, आपने जो नरेंद्र मोदी जी की का जो कॉन्सेप्ट था और वो गुजरात में शुरू हुआ था, गुजरात से वो गुजरात मॉडल फिर वो नेशनल लेवल पे लाए, कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट था मार्केटिंग, हजारों करोड़ रुपए की मार्केटिंग और डर, एजेंसी का डर, मीडिया का डर, सरकार का डर।
अब हुआ क्या, अब देश में कोई उनसे डरता ही नहीं, मतलब एक तरीके से रिडिक्यूल करते हैं। जो पहले 56 इंच की छाती थी, अब नंबर तो नहीं दे सकता हूं, बट 30-32 हो गई है, राइट। तो अब पूरा जो ढांचा था, इतना बड़ा गुब्बारा था, वो इतना बड़ा हो गया। अब इससे नरेंद्र मोदी जी को साइकोलॉजिकल बहुत टेंशन होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो लोगों को डराने का है, धमकाने का है। अब वो डर चला गया, आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी ने। अब आप इमेजिन कीजिए, चुनाव से पहले अगर कोई मानना भी चाहता था, डरता, तो वो जो डर था वो गायब हो गया, खत्म हो गया। और इंटरनल भी प्रॉब्लम्स हैं, इनकी पार्टी में प्रॉब्लम्स हैं, इनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में इश्यूज हैं। तो मेरा कहना है कि जो नरेंद्र मोदी का जो कॉन्सेप्ट था, उसको ऑपोजिशन ने डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया है। उसको आप 56 इंच की छाती कहें, उसको आप डर कहें, उसको आप मतलब जो बिग नरेंद्र मोदी जी की जो इमेज थी, उसको फाड़ दिया हमने। अब अगर वाजपेयी जैसे लीडर होते, जो जिनमें ह्यूमिलिटी थी, मनमोहन सिंह जी जैसे जिनमें ह्यूमिलिटी थी, लोगों की रिस्पेक्ट करते थे, बात सुनते थे, ऐसी सिचुएशन वो काम निकाल सकते थे। मगर ये नरेंद्र मोदी जी की स्टाइल ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी मतलब किसी की सुन नहीं सकते, बिना फोर्स काम नहीं कर सकते। तो ये अब मामला है। और दूसरी बात, बहुत मजबूत ऑपोजिशन है, तो काफी मतलब इंटरेस्टिंग समय है। थैंक यू।